Assalamualaikum viewers, जैसे कि आप ये बच्चा देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, बीमार है और इसके मुतालिक जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन से इंशाल्लाह आगाह किया जाएगा कि ये बच्चा इस हालत में किस तरह के ड्रॉप्स कर रहे हैं और इस तरह के ड्रॉप्स ठीक कैसे किए जाएंगे, ये ठीक करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को लास्ट में वीडियो में दिखाया जाएगा और बता दिया जाएगा कि इसका ड्रॉप ठीक करने का जो तरीका है वो क्या है और कैसे किया था ड्रॉप। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ड्रॉप, ये आपने देख लिया, इंशाल्लाह व्यूअर इसको ठीक करने के बाद आपको दिखाएंगे इसका दोबारा ड्रॉप ये क्या करेगा। जी तो व्यूअर्स, इसका जो नेक्स्ट टाइम का ड्रॉप है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। इसके ड्रॉप में फर्क आया हुआ है दवाई के देने के तकरीबन 3-1 घंटे के बाद, तो इंशाल्लाह मज़ीद जब बेहतर होगा तो इसके लिए जो कंडीशन है ना ये जब ठीक होगी फिर आपको सही करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी इसकी हालत देख रहे हैं कैसे, ये पंजाबी में इसको कहते हैं क्रोंड मारना, ठंड मनाता है जिस तरह, छोटा बच्चा है और अच्छे कबूतरों का बच्चा है, इसके पंजे देखें ब्लैक हैं, और ये मेरे साथ थोड़ा हिला हुआ है क्योंकि ये माँ बाप से बहुत जल्दी जुदा हो गया था और इसको मैंने थोड़ा पाला है, मेहनत की है इसके साथ, इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखें 2 दिन बाद बच्चे की हालत देख लें, अभी माशाल्लाह से थोड़ा एक्टिव हो गया, इसका दर्द और बुखार इसका जो हिस्सा है वो भी उतर गया है और इसके ड्रॉप भी माशाल्लाह से बेहतर हो गए हैं। इसके ड्रॉप की कंडीशन फ्रेश मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली है, ये देखें ये जी। तो व्यूअर्स आपको मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर कौन सी वो ठंड की लहर थी ना वो और बुखार था वो देख रहे हैं, इसके परों में अब नहीं रहा, ये बैठा रहता था जाम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, क्योंकि देखें जब अंदर का निज़ाम ओके होता है तो कबूतर में तभी भूख की तलब होती है और वो मज़ीद एक्टिव हो जाता है, खाना पीना उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और जब बुखार की हालत में हो, प्रॉब्लम्स हो, अंदर के फंक्शन अच्छे ना हो तो वो कुछ भी नहीं खाता। तो अभी आपको क्यों लगता नहीं है कि ये जीने की इसकी उम्मीद जाग गई है। जी तो व्यूअर्स देखा आपने, ये तरीक़ाकार है और इसका जो डोज मैंने इसको दिया था वो भी मैं आपको बताता चलूँ, इसमें मैंने एक पैनाडॉल, एक ब्रूफेन का सिरप, ये सिरप आपने ब्रूफेन सिरप, पैनाडॉल सिरप और फ्लैजल का सिरप, ये 3 सिरप, इनके 2-2 ड्रॉप, ड्रॉपर के ज़रिए से आप 2-2 ड्रॉप रखें तो 6 ड्रॉप बन जाएंगे इन तीनों सिरप के, और ये आपने 1 cc सादे पानी में देना है इसको, एक दिन को 3 बजे और एक रात को 8 बजे के करीब। तो ये देख लें कंडीशन, 2 दिन के अंदर इसकी कंडीशन अच्छी हो गई है, अभी मैं इसको थोड़ा दाना खिला रहा हूँ क्योंकि ये बहुत भूखा हो चुका है, इस बेचारे ने 2 दिन से सही खाना नहीं खाया।
ओके व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़। आजा आजा ऊपर आजा।